दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों दूसरे वनडे मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा को लेकर सचिन, सहवाग, धोनी से लेकर गावस्कर तक ने बीसीसीआई से करी बड़ी मांग। अब भारत का बदला जाएगा कप्तान, ऐसी मांग सुनकर पूरा देश रह गया हैरान। तो दोस्तों आखिर क्या बोले बड़े दिग्गज हार के बाद, वो सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम वनडे सीरीज जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने अपने नाम किया था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए, तो ये मैच भी उनके हाथों से चला गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और ये फैसला कई हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर भारत की टीम को यहाँ पूरे 50 ओवर खेलने का मौका ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दिया ही नहीं। यहाँ पर भारत की टीम 117 रन पर ही अपने 10 विकेट गंवा चुकी थी। इस बीच विराट कोहली ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 31 रनों की पारी खेली, तो वहीं अक्षर पटेल ने 29 रन बनाए और रविंद्र जडेजा ने 16 रन जड़कर भारतीय टीम का साथ तो निभाया। लेकिन दोस्तों फिर भी इसके बावजूद टीम इंडिया 117 रन तक ही पहुंच पाई। यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट हासिल किए, तो वहीं शीन एबॉट को 3 विकेट मिले और नाथन एलिस के हाथ 2 सफलताएं लगी, जिसके चलते भारतीय टीम काफी ज्यादा मुसीबत में थी। यहाँ पर फिर जब बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल मार्च और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की, तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते संग ही तूफानी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पर किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ करना क्या चाहती है, क्योंकि मैदान पर जिस प्रकार का अंदाज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दिखा रहे थे, उसे देखकर तो लग रहा था कि ये ज्यादा से ज्यादा 10 ओवर में ही मैच खत्म करने के लिए आए हैं, और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। बस ये 10 ओवर की बजाय 11 ओवर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 51 रन जड़े, तो वहीं मिचेल मार्श ने 36 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 बड़े छक्के भी लगाए। हालांकि दोस्तों भारतीय टीम को 10 विकेट से ये मुकाबला अपने हाथों से तो गंवाना पड़ा, और इस मैच में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम पर काफी ज्यादा भड़कते हुए भारतीय दिग्गज नजर आए। जहाँ रोहित शर्मा की तो आलोचना उन्होंने की है, और साथ में भारतीय टीम में बड़े बदलावों की मांग भी सीधा बीसीसीआई से कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, इस सूची में महेंद्र सिंह धोनी की जो मांग है उसे जाने बिना तो कहीं भी मत जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वो है इरफान पठान का, जो कहते हैं कि हमारी टीम भारत दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो आपसे एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद पूरा भारत करता है, लेकिन आपने आज जो खेल हमें दिखाया है वो सही मायने में अच्छा नहीं था। आप भारत जैसी टीम होकर भी अपने ही मैदान पर अगर पूरे 50 ओवर नहीं खेल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्लेइंग 11 में कुछ कमी है। बीसीसीआई को प्लेइंग 11 पर ध्यान देना चाहिए और हो सके तो बड़े बदलाव तो करने चाहिए। और मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा टेस्ट की कप्तानी ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं T20 और ODI की बजाय, तो इसीलिए उनकी जगह पर हार्दिक पांड्या को इन दोनों फॉर्मेटों में कप्तान बनाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आगे अगला बयान जो निकल कर आता है वो है सुनील गावस्कर का, जो कहते हैं कि भारत के ऐसे प्रदर्शन की मेरे को कभी भी उम्मीद नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया हमें आकर यहाँ 10 विकेट से हरा जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। इस साल वनडे वर्ल्ड कप भी है और वो भी भारत में, अगर भारत ऐसा खेल अभी से ही दिखाना शुरू कर देगा तो उनकी तैयारियां कहाँ हो रही है इसका कोई अंदाजा नहीं है। आप दुनिया की नंबर 1 टीम है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर आप एक भी विकेट ले नहीं पा रहे और अपने 10 विकेट गंवा दे रहे हैं 26 ओवर में ही, तो ये वनडे क्रिकेट के लिए सही संकेत नहीं है। और भारत अगर ऐसा ही चलता रहा तो जरूर वनडे वर्ल्ड कप भी अपने हाथों से गंवाएगा। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बयान निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जो कहते हैं कि ये मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हमारी टीम के बल्लेबाजों ने आज रन कहां बनाए, अगर हमारी टीम के बल्लेबाज यहां कुछ रन बना जाते तो शायद मुकाबले में हमारी वापसी हो जाती, लेकिन खैर जो भी है हमारी टीम के खिलाड़ियों ने कोशिश जरूर की। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अब हार्दिक पांड्या को 2-4 मैचों में मौका देकर देखना चाहिए, वो एक अच्छे कप्तान है और एक अच्छे कप्तान की यही खासियत होती है कि वो अपनी टीम को कभी भी और किसी भी सिचुएशंस में से निकालना जानता है, और हार्दिक पांड्या बखूबी ये कार्य करना जानते हैं। और मेरा मानना ये कि हार्दिक को रोहित की जगह पर कप्तान नियुक्त कर देना चाहिए। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान है, उनको कई मौके दिए जाने चाहिए, अभी वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत हुई है, आप 1-2 ऐसे मैच हारेंगे इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, हर एक खिलाड़ी को बराबरी का खेल दिखाना है और बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा खेल दिखाकर मैच को जीतना है। तो वहीं दोस्तों यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने भी बीसीसीआई से यही मांग की कि कप्तान को बदला ना जाए और हार्दिक पांड्या की जगह पर अभी रोहित शर्मा ही कप्तान बने रहें। तो दोस्तों यहां पर एक से बढ़कर एक राय तो इन बल्लेबाजों ने दे दिया, लेकिन अब आप सभी क्या मानते हो कि जो भी कहा है महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर ने वो बिल्कुल सही या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।